I'm like, अस्सलाम वालेकुम, आई एम हज़ल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो जाके करें जल्दी और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जरा वीडियो में लेट हो गई ना, थोड़ी सी बिजी थी, तबीयत सही नहीं थी आपकी बहन की, दुआ करें और फिर अब इंशाल्लाह वीडियो आएंगी। और जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया होगा ये वीडियो कितनी ज़बरदस्त होने वाली है, तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ज़बरदस्त वाली टिप्स देना चाह रही थी, जैसे टिप्पणी कह लें। तो यह है कि मैंने कहा आप लोग ये ना सोचें कि हेल्दी की बातें करिए, हेल्दी मैं खुद हूँ ना यार, इसलिए जैसे कि जिस तरह की ड्रेसिंग वगैरह मैं करती हूँ तो वो बस मैं आप लोग तक पहुँचाना चाह रही थी। और डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि ना हम मोटे हैं या हम पतले हैं या हम कलर हमारा थोड़ा सा डार्क है या एकदम फेयर हैं या कुछ नहीं। जैसे कि जाहिर है अल्लाह ने बनाए हमें तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अपने आप से प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने लिए आप तैयार रहें, अपने लिए केयर करें। ये नहीं है कि ना उसको देख लिया, मैंने उसको देख लिया, वो ऐसे कर रही है यार, वो ऐसा पहनी हुई है, मैं भी वैसा करूँगी, नहीं, जो आपके सूट कर रहा है वो करें। तो ये है कि मैंने बोला इस तरह से हम चाहते हैं इस तरह की ड्रेसिंग करना भी। एक तो पहली बात ये है कि आप अपने आप को पहचानें, क्या आप पे क्या सूट करता है, आपकी स्किन कैसी है, ठीक है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल है, ड्राई है, क्या है स्किन आपकी, सेंसिटिव है, उसको पहचानें। आप अपनी बॉडी की शेप को देखें कि ये ना हो कि आप इस तरह की कोई ड्रेसिंग कर लें कि ना सूट करें, कि कोई आपको दिल रख रहा है, हाँ जी हाँ जी, अपने आप को भी देखा करें पहले, कहना मुझ पर ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा। कोशिश किया करें थोड़े से लूज़ कपड़े पहने, अब एकदम फिटिंग के पहन लेंगे वो भी बुरे लगते हैं, ठीक है, इतने भी ना लूज़ पहन लें, लेकिन ये है कि थोड़ा सा शेप आए, इस तरह के ना ड्रेसिंग करें, कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, उठ के सुबह ज़रा हैप्पी मूड रखें अपना, अपने बच्चों से अच्छे से रहें, अपने हस्बैंड से अच्छे से रहें, खुद भी पानी पिएं, हल्की फुल्की वॉक करें। बस ये है कि बस सीधा सीधा कहने का मतलब है अपने आप को मेंटेन रखें, अपने आप से बहुत मोहब्बत करें। मेरे साथ इतना बड़ा मसला है कि ना मेरे साथ थायराइड का मसला चल रहा है कि ना कभी मेरा वेट बढ़ता है, कभी घट जाता है, कमज़ोर हो जाती हूँ, चेहरा वेरा बहुत डल हो जाता है कभी कुछ, लेकिन फिर भी हिम्मत निहारती कोशिश करती रहती हूँ कि नहीं भाई, जाहिर है जीना है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यह है कि बस ख्याल रखें अपना और मेकअप भी देखा करें, कोशिश करें खुद करना। जैसे कि कोई बड़ी जैसे पार्टी वार्टी है, कोई शादी वादी, चलो पॉलर वॉलर चलाएँ, लेकिन कुछ क्या है छोटी मोटी मंगनी वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में आप खुद कोशिश किया करें। ज़रूरी नहीं मेरी वीडियो देखें, आप किसी की भी वीडियो देखें, थोड़ा थोड़ा करना सीखें। एक दफ़ा गलत होगा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा आप देखिएगा। तो बस इसी तरह से ब्रशेज यूज़ करना सीखें, ब्रश नहीं तो भले हाथ से शुरू हो जाएँ। देखें क्या नाम आपकी आईज़ पे क्या सूट कर रहा है, किस तरह से लाइनर सूट कर रहा है। ज़रूरी नहीं है उसने लाइनर यहाँ तक लगा लिया तो मैं भी यहीं तक लगाऊंगी, नहीं, ये गलत है। लिप्स देखें, ज़्यादा छोटे हैं तो हल्के से बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा बड़े हैं तो थोड़ा सा काट के बना लें। ये देखें आपके फेस पे कंटूर किस तरह का जा रहा है, आपका कैसा चेहरा है, जैसे मैंने आपको करना दिखाया, जैसे मेरे तरह चेहरा है आपका तो मेरी वीडियो देखें। और ये है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ना हो, हिम्मत ना हारें, उस शख्स को इग्नोर कर दें, क्योंकि आप उससे लड़ेंगे झगड़ेंगे या उसी की तरह बात करेंगे, फिर आप में उसमें क्या फर्क जाएगा। कोशिश करें, देखें अल्लाह पे छोड़ दें, जो भी आपके साथ जैसा भी कर रहा है वो अल्लाह है इंसाफ करने वाला। जैसे कि मौसम वगैरह को देख के आप अपना ड्रेसिंग करें, वो तो जाहिर है कि ना गर्मी में किस तरह के कपड़े पहने हैं, सर्दी में, लेकिन अपने आप को देख के, मौसम को देख के। और दूसरी बात ये कि ब्रांड के पीछे ना भागें जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये है कि आप में इतनी सेंस होना चाहिए कि आप लोकल मार्केट से लोकल कपड़ा लेके किस तरह स्टिच करवाने हैं। मेरी वीडियोस देख रहे हैं, नहीं तो किसी और की और भी वीडियोस वगैरह हैं, आइडियाज़ आजकल तो इतने आसान है, घर बैठे हम वीडियोस में आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह की ड्रेसिंग करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। और अगर मेरी आपको विशेष टिप्पणियाँ पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझसे कमेंट से बात कीजिएगा। और हाँ, अपने गुस्से पे ज़रा काबू करना सीखें, पहले मुझे भी नहीं हो पाता था गुस्से पे काबू, बहुत हाइपर हो जाती थी, अजीब सी कैफियत हो जाती थी। आपको गुस्सा है, इजी तरीका, उठाएं चप्पल और बच्चे को दे देना, ऐसा नहीं करना, मियाँ को खाना नहीं दिया, दबा आ जा निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं करना, मजाक कर रही हूँ। ये है कि थोड़ा सा आप लंबी लंबी सांसें लें, थोड़ा सा ठंडा पानी पिएं, तीन सांस में दुरूद दिमाग पढ़ें, रिलैक्स हो जाएं। और हाँ, एक और टिप, LED लगाएं, LED नहीं, मोबाइल में P4 पकाओ। नादिर अली की वीडियो देखें, बस ऐसे ही फ्रेश हो जाएंगे, ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। मैं भी इसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करती हूँ,
और ये क्यों गुस्सा करेंगे, क्या फायदा, अपना नुकसान करेंगे ना, नहीं करें गुस्सा, हैप्पी रहें, बस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त आइडियाज देने वाली हूँ, जैसे कि मैं हूँ जिस तरह की, बल्कि थोड़ी हेल्दी सी, तो यह है कि इस हमें शौक भी होता है इस तरह की ड्रेसिंग करना, जैसे जीन्स वगैरह हो गई, पैंट्स वगैरह, तो यह है कि मैं आज आपको बहुत ज़बरदस्त आइडिया देने वाली हूँ। तो चलें, मैं आपको जैसे कि एक हमारे पास पैंट हो गई, उसके साथ दो तीन कुर्तीज लॉन्ग भी शॉर्ट भी कैरी करके दिखाऊंगी, कि यह है कि हम ओवर भी ना लगें और एक दायरे के अंदर अपना ज़बरदस्त वाला फैशन भी कर सकें, अच्छे भी लग सकें। जैसे कि देखें, ये मेरे पास पैंट है, ये कमांडो प्रिंट और ये थोड़ी लूज है, शॉर्ट पैंट होती है इस तरह की, पॉकेट वॉकेट ज़बरदस्त लगती है पहनने के बाद। ये मैं एक पैंट आपको दो कुर्तीज के साथ, ये देखें शॉर्ट कुर्ती के साथ भी और लॉन्ग कुर्ती के साथ भी मैं भी आपको कैरी करके दिखाऊंगी, ठीक है। देखें, ये देखें, देखें जी, जैसे कि ये पैंट है, ये थोड़ी स्टिचेबल है और ये नैरो स्टाइल भी आती है, बहुत प्यारी, बहुत कंफर्टेबल है ये। और ये इसको मैं लॉन्ग कुर्ती के साथ भी आपको कैरी करके दिखाऊंगी, देखें ये लॉन्ग है और ये देखें ये शॉर्ट कुर्ती है, ठीक है जी। देखें जी, जैसे कि ये ब्लैक जीन्स है, इसके साथ ये देखें ये वाली कुर्ती, ये देखें कितनी ज़बरदस्त है ये वाली कुर्ती, मैं आपको कैरी करके दिखाऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको पहन पहन के दिखाऊंगी। और ये जितनी भी ना, ये ज़्यादातर जो कुर्तीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद स्टिच किए हैं, माशाल्लाह इतनी सिलाई तो आती है आपकी बहन को। देखें जी, इसी जीन्स के साथ मैं आपको ये फ्रॉक भी कैरी करके दिखाऊंगी, देखें काफ़ी अच्छी लॉन्ग फ्रॉक है। देखें जी, जैसे कि ये देखें ये पैंट, ये देखें इसके साथ, हालांकि इसके साथ है नहीं लेकिन मैंने इसको मैच कर दिया है, देखें ये कितना प्यारा सा फैब्रिक है सिल्क का, कितनी प्यारी शर्ट है, इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। देखें जी, एक ये पैंट है, देखें ये देखें पॉकेट, ये आपको अच्छी लग रही होगी कि जैसे आयरन नहीं हुई हुई, इस पर की भी है लेकिन ये इसके स्टिच इस तरह के फ्लेट्स वगैरह हैं, तो इसलिए अच्छी लग रही होगी। ये देखें इसके साथ, ये देखें ये भी इसके साथ नहीं है लेकिन ये है कि इसके साथ आप कैरी करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। ये भी देखें, ये भी स्टिचिंग मैंने की है इसकी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखें जी, एक ये पैंट है, देखें कितनी ज़बरदस्त है, देखें कट लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखें पॉकेट शॉकेट। अब ये भी इसके साथ नहीं थी, मैंने ज़बरदस्ती मैच कर ली, मैंने कहा पहने तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, ये देखें इसमें जो कलर आ रहा है, ये देखें इसमें, और ये दुपट्टा भी देखें, ये देखें इसमें मैच हो रहा है इसके साथ, ये देखें अभी मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा, ये भी मैंने खुद ही स्टिच किए। देखें मैंने इस कुर्ती के साथ भी पैंट पहन लिया, देखें जबरदस्त लग रही है ना। देखें जी, जो लड़के हिजाब करती है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी वगैरह, टीनेजर थोड़ी सी बल्कि इस तरह, ये देखें ये देखें जी क्या जबरदस्त लग रहा है। देखें जी, ये देखें खाड़ी की कुर्ती है, ये लेके फिर मैंने स्टिच मैंने खुद की थी, देखें जी ये भी कितनी जबरदस्त। देखें जी, ये लॉन्ग शर्ट के साथ है और ये दुपट्टा मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, कितनी प्यारी कुर्ती है, देखें यहाँ से, देखें वही अगेन जैसे हिजाब जो करती है उनके लिए, ये देखें ये भी मैंने खुद ही सी है कुर्ती, और ये देखें ये जोड़ नहीं लगा हुआ है, ये प्रिंट ऐसा है, ये देखें, देखें जी ये देखें इस तरह से सिलवा ली थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये पॉकेट नहीं होते, पॉकेट की तरह जैसे, ये देखें देखें जी, पहले मैंने आपको लॉन्ग शर्ट के साथ दिखाया था, अभी देखो
आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और हाँ, एक और बात बतानी थी कि जैसे आप लोग सोचेंगे इन्होंने पैंट वगैरह कहाँ से लिए हैं, ये कुर्तीज़ वगैरह, कोई एक मार्केट मेरी सिलेक्टेड नहीं है जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।